नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ऐतिहासिक पल के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जी हां दोस्तों, यहां पर बात होने वाली है 83 के ट्रेलर के बारे में, सूर्यवंशी के ट्रेलर के बारे में और जीरो के ट्रेलर के बारे में। जीरो के ट्रेलर ने 40.2 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया। ये बहुत विशालकाय भीमकाय रिकॉर्ड था 24 घंटों में। इसके बाद ये रिकॉर्ड को तोड़ने की जरूरत और हिम्मत दोनों दिखाई सूर्यवंशी के ट्रेलर ने, जिसने 42.9 मिलियन व्यूज हासिल किए 24 घंटों में। अब लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर और इससे बड़ा क्या कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ सकता, वो भी पोस्ट कोविड में, तो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, यानी कोविड इशू के बाद में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इंडिया में इसके एक दो ट्रेलर और आए थे तमिल तेलुगु वर्जन या कन्नड़ा वर्जन में, 47 मिलियन इसको व्यूज मिले। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ, मैं फिलहाल अगर हिंदी ट्रेलर की ही अगर बात करो, रिलायंस एंटरटेनमेंट पे जो आया था उसने 43.06 मिलियन व्यूज हासिल करके सबकी बोलती बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, नाउ बॉलीवुड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट व्यूड ट्रेलर इज 83। और मैंने कल ही कहा था कि ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी हिट होगी, सूर्यवंशी का भी रिकॉर्ड ये तोड़ेगी, ये मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था। और भले ही सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़े ना तोड़े, उसके लिए टाइम है, लेकिन फिलहाल इसने सूर्यवंशी के ट्रेलर का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया है। और ये बात मैं रिकॉर्ड तोड़ने की बात बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही फिल्म रिलायंस की है, दोनों ही फिल्मों ने काफ़ी बड़ा वेट किया है, वक्त लिया है। और ऐसे में फिल्म अगर लोगों को पसंद आ रही है, उसका ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है और इस तरह के व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया की ऑडियंस इस फिल्म के लिए बेताब है 83 के लिए। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको ट्रेलर देखते ही क्यों ब्लॉकबस्टर कह दिया था और क्यों कह दिया था कि सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके व्यूज काउंट 43.6 मिलियन हो चुके हैं। तो कितने खुशी जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।